डेडिकेशन से लगे रहिए, पॉजिटिव माइंड से लगे रहिए, हारना नहीं है। ये नहीं कहना कि ओ माय गॉड हमारा तो वेट बढ़ गया है अब ये डाइट, इसका मतलब ये डाइट हमारे लिए नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पर बज चुके हैं 6:30, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और हम लोगों को फटाफट से जो है ये मैजिकल कॉफ़ी पीनी है जो कि हमारी डिटॉक्स ड्रिंक हमें निशा अरोड़ा मैडम ने दी है। लेकिन इसको पीने से पहले हमें हमारा वेट चेक करना है क्योंकि मैंने अभी तक वेट चेक नहीं किया है। मैं वॉशरूम से फ्री हो चुकी हूँ, तो अब हमें वॉशरूम से फ्री होने के बाद यानी कि टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाने के बाद हमें सबसे पहले चेक करना है हमारा वेट। तो मेरा यहाँ पर वेट आ रहा है अभी ये, और कितना आ रहा है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। और बस अब हमारे यहाँ पर जो है ये मैजिकल कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, इसको छानते हैं, पीते हैं और फटाफट मैं आपको मिलती हूँ नीचे, क्योंकि इसको पीने में भी मुझे आराम से 10 मिनट लग जाएंगे। इसको सिप सिप करते हुए पीना है। पहले जब अगर आप पहली बार इसको पी रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं इसको रोज़ ले रही हूँ तो अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। तो आज मैं लेट हो गई हूँ, 7 बज रहे हैं और मैं वॉक ले निकली हूँ, टाइम मैनेजमेंट पंगा गलत हो गया। तो आज मेरा जो वेट है वो 200 ग्राम्स बढ़ा हुआ आया है। कुछ गलतियाँ यहाँ हुई है क्योंकि देखो ये वाली जो डाइट है ना, ये प्रॉपर घर में बैठ के करने वाली डाइट है, और अगर आप बाहर जाके इस डाइट को फॉलो करते हो तो आपसे गलतियाँ होने वाली हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट डाइट है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। तो कल पानी का इंटेक नहीं हुआ, कल मैंने फाइबर का इंटेक नहीं किया इसके अंदर, यानी कि कुकुम्बर सलाद वगैरह कुछ भी नहीं गया इसके अंदर, और पानी का इंटेक नहीं था, तो बहुत सारी गलतियां हो गई। मैं अभी भी स्टिल पॉजिटिव हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो आज के दिन की जो डाइट है वो दोबारा फिर से हम लोग रेगुलर करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ 200 ग्राम ही बढ़ा है, तो नॉट टू वरी, ये कवर हो जाएगा नेक्स्ट डे। आज अच्छे से पानी पियेंगे, अच्छे से जो अपना फाइबर का इंटेक है वो करेंगे, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ जो है अपनी मसाला कॉफ़ी पीकर, लेकिन आज टाइम मैनेज नहीं हो पाया, 6:30 निकलते निकलते लेट हो गई और 7 o'clock आई हूँ। तो यहाँ मैंने पहना है येलो, और यस एक बात और बता दूँ, मेरा पेट भी साफ नहीं हुआ आज, क्योंकि कल फाइबर नहीं खाया, ठीक है, यानी कि सैलड वगैरह बिल्कुल भी नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, और जो है पानी भी नहीं गया। शायद पूरे दिन में मैंने 2 लीटर पानी पिया होगा, क्योंकि जब आप किसी और के घर में होते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं रहती है, तो ये हुआ है। चलो फिर कोई बात नहीं, करते हैं कंटिन्यू आज से। तो यहाँ पर अब बारी आ चुकी है हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक लेने की, और निशा मैडम ने मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए बोला है शिकंजी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शिकंजी लेने के लिए, और उसको बनाने का तरीका भी बताया है। तो यहाँ मैं तरीका बता रही हूँ आपको कि पहले बर्फ़ डालिए, फिर उसमें जीरा डालिए, और फिर उसमें काली मिर्च डालिए, फिर उसमें काला नमक डालिए, फिर उसमें हनी डालिए, फिर उसमें नींबू डालिए, और फिर उसके बाद
उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए या नॉर्मल पानी डाल दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें बर्फ़ डाली हुई है, गर्मी का टाइम है, तो ये आपको गर्मी में देगा ठंडी का एहसास, ऐसा मैडम का डायलॉग है। तो बस यहाँ पर मैं अपने चिकन जी रेडी कर लेती हूँ और अच्छा खासा ग्लास बना लेती हूँ, तो ये हम साथ बैठ के पीने वाले हैं, तो चलो फिर पीते हैं चिकन जी, वेट लॉस चिकन जी। सो इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 का, ठीक है 10:30 टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना 10:30 वाला सिकंजवी, जो कि निशा मैडम ने बोला है कि ये मिड मॉर्निंग स्नैक है, इसके हाथ में हमें कुछ नहीं लेना, तो ये मैं ये ग्लास ले रही हूँ, बियर वाला ग्लास जो होता है, क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा आएगा और आपके शरीर में ज़्यादा पानी जाएगा, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने भी अगर ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो आप लोग भी 4 लीटर पानी का कंजम्पशन के लिए अब तैयार होंगे, और वो पी लेती हूँ क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। 10:30 के बाद हम लोग हमारे लंच की तैयारी करेंगे, आज लंच हमारा घर पे ही है और थोड़ा घर का काम करूँगी, आज की क्लास है 12 बजे, 12 से 1:30 बजे आज की क्लास है, तो बर्फ डाली हुई ना तो चिल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग है, बट पानी है तो जाहिर सी बात है जल्दी भूख लग जाएगी, तो हमें अपना लंच भी पहले ही करके रखना है। और मैं जो भी कुछ खा रही हूँ पी रही हूँ वो मैं अपनी बुक में लिख रही हूँ, यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन किया हुआ, 10 डेज वेट लॉस चैलेंज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग करी है मैंने 76.4 से और आज मेरा वेट आया है 76.600, तो फिर भी कम आया है, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हम कम कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम है नहीं। अगर 10 डेज का चैलेंज है तो हम इस चैलेंज को 10 डेज तक करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें 10 डेज तक पता चल जाएंगे, तो हमें पहले ही दिन या पहले या दूसरे दिन में एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमारा 1 किलो वजन कम हो जाएगा, वो नहीं करना, क्योंकि मैं एक साल से इस वेट लॉस जर्नी में हूँ तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं भी पहले जो है डीमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती हूँ, मुझे पता है कि फाइनली जो एंड वाला जो डे होगा ना, जो भी 7 डे होगा या 10th डे होगा, उसमें रिजल्ट आएगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे day 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और आज मेरा है day 2, तो day 2 की भी मैंने पूरी अच्छे से इसमें लिख दिया है, और अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि मैं सिकन जी पी रही हूँ इस वक्त, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10:30 PM से लेके, ठीक है सिकंज भी मैंने पी लिया, ये मैंने यहाँ इसको लिख दिया, और अब हम हमारे इंजॉय करते हैं सिकंजवी, पंजाबी में सिकंजवी बोलते हैं ना, वैसे होता है चिकन सिकंजी, यानी कि नींबू पानी। बहुत टेस्टी है, बहुत रिफ्रेशिंग है, हाइड्रेट रखेगा आपको, मज़ा आ जाएगा। सो ओके गाइज, अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ अपने लिए लंच, तो निशा मैडम ने लंच में 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन है हमारा दाल पालक, तो दाल पालक बनाने जा रही हूँ, और हमें इसको इस तरीके से बनाना है जैसे कि आप जिस तरीके से बनाओ बना सकते हो, बस इसमें जो है लेस मसाले और लेस ऑयल का तड़का लगाना है, क्योंकि आपके लंच में सिर्फ यही होने वाली, इसके साथ में नो राइस नो रोटी, ठीक है, इसके साथ में आपको आराम से अच्छा खासा सलाद लेना है, यानी कि 2 कुकुम्बर और 1 टमाटर का सलाद इसमें जाएगा, और एक अच्छा खासा जो बोल है वो आप इस दाल का ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे दाल को बना लेती हूँ। तो बाकी इसका प्रोसेस तो क्या बताऊँ, आप सबको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि दाल पालक कैसे बनती है, तो फाइनली यहाँ पर हमारी दाल पालक तैयार हो चुकी है, इसका जो तड़का है वो मैंने हींग और जो मस्टर्ड सीड होता है उसका तड़का लगाया है, कड़ी पत्ते भी इसे मैंने डाला है, तो ये है मेरा लंच, तो चलो फिर लंच कर लेते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। सो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपनी प्लेट लेकर, ठीक है, और आरवी क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, आरवी क्लास ख़त्म करके तुरंत मैं नहाई हूँ फटाफट से नहा के, और अपना प्लेट जो है मैंने डाला है, प्लेट डाल के अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना लंच, और मेरा लंच यही होने वाला है, निशा मैडम ने यही बताया है कि आपको 1 बोल दाल पालक के साथ में जो है भरी प्लेट सलाद की लेनी है, और सलाद में हम खाएंगे 2 कुकुम्बर 1 टमाटर, मैंने वो चीज़ डाली है, और इसके साथ में ली है हरी मिर्च, ऑल टाइम फेवरेट, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट, ठीक है, एक हरी मिर्च मैंने ले ली है, तो अब बिना वक्त गवाए हम फटाफट से इसको करते हैं, और शाम को फिर हमें लेना है 4 बजे, तो इस टाइम इसको खाने के बाद मुझे 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लूंगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे ग्रीन टी प्लस एक फ्रूट जो भी हमारे पास घर में अवेलेबल है,
ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारा ये यमी यमी सी। मैंने ये कांच का बाउल लिया है, ठीक है, और ये मेरी वैसे भी वन ऑफ फेवरेट दाल है, और अगर खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। यम्मी, सुपर। चलो फिर आराम से मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और इंजॉय करती हूँ, ठीक है। वेलकम बैक। इस वक्त बज रहे हैं 4 और मैं लेकर आ गई हूँ अपना एक फ्रूट, ज्यादा पसंद है एप्पल, तो मैं यहाँ पे एप्पल खा रही हूँ। एंड लुक्स, माय स्किन इज एक्चुअली शाइनिंग। जब आपकी डाइट अच्छी होती है ना और आपका पानी का इंटेक अच्छा होता है तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली जो है रिजल्ट दिखाने लग जाती है। तो है अच्छा, निशा अरोड़ा मैम ने बोला है कि पहले फ्रूट खाने हैं और फ्रूट खाने के 15 मिनट बाद हम लोग हमारी ग्रीन टी लेंगे, ठीक है। तो इस वक्त बच गए 4 और इसी का है अभी टाइम, ठीक है। तो मैं इसको शुरू करती हूँ और इसमें कुछ भी स्प्रिंकल नहीं करना है, कोई भी काली मिर्च या कोई नमक और काला नमक कुछ भी स्प्रिंकल नहीं करना है। एज इट इज खाइए इसको। मैं इसको छिलके के साथ ही खा रही हूँ, अच्छे से धो लिया मैंने रगड़ रगड़ के, इसको छिलके के साथ ही खा रही हूँ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसको खाने में मुझे टाइम लगेगा, 15 मिनट में आराम से उसको चबा चबा के खाना है। उसके बाद हम लोग गर्मा गर्म हमारी ग्रीन टी बनाएंगे, उसको पियेंगे और फिर रात के खाने में लग जाएंगे। रात के खाने में मैं कुछ लिक्विड लेने वाली हूँ जो कि निशा मैम ने बताया है, तो वो लूंगी। और उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं डाइट में, मॉर्निंग के डाइट में भी, मॉर्निंग का जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसमें भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आप बदल बदल के खा सकते हो, 10 दिन में आराम से निकल जाएंगे। लंच में भी ऑप्शन दिए हैं और डिनर में भी ऑप्शन दिए हैं। डिनर में हमारा जो खाना वो हल्का रहेगा और लंच भी हमारा हल्का रहेगा, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा काफ़ी अच्छा रिच ऑफ प्रोटीन फिलिंग करने वाला, बॉडी को फिल करने वाला ब्रेकफास्ट रहेगा। उसके बाद हमारी शिकंजी आ जाती है, फिर आपका लंच आता है। लंच जैसे कि मैंने आपको दिखाया वैसे ही लेना है, तो मैं रोज अपना लंच ये सब चीज़ें चेंज करने वाली हूँ, चेंज कर करके जो जो मैम ने रेकमेंड किया है वही लूँगी, बट चेंज करूँगी ताकि मुझे भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। और फिर रात को मिलते हैं, अब सीधा मेरा मतलब ये इसको खाते हैं फिर ग्रीन टी बनाते हैं, ठीक है। सो आई एम बैक। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30, ये देखो 8:30, ठीक है। और मैं अब अपने डिनर का तैयारी करने जा रही हूँ। सो डिनर में निशा अरोड़ा मैम ने सॉलिड के साथ साथ में आपको एक लिक्विड ऐड भी दी है, जैसे कि हल्दी वाला जो है दूध दिया है, और वो दिखने में तो काफ़ी यमी है और मैं उसको बनाने जा रही हूँ। बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी वो मैं आपको आगे मेंशन कर दूंगी और खुद भी टेस्ट करके बताऊंगी कि फाइनली वो कैसा है। तो मैम ने डिनर के लिए भी कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन मैम का थोड़ा सा जो है फोर्स इस लिक्विड मिल्क की तरफ है, जो मैम ने बनाने के लिए बोला है हल्दी वाला दूध, मैजिकल हल्दी वाला दूध बोला है। और उसमें उसे बनाने का भी जो तरीका है वो मैम ने अलग से बताया है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाएंगे और काफ़ी अच्छी रेसिपी बताई है, तो मैं उसको ट्राई करने जा रही हूँ। तो मुझे भूख लगी हुई है इस वक्त और दिस इज द करेक्ट टाइम कि हम लोग फटाफट से उसको बनाते हैं, गर्मा गर्म उसको पीते हैं। तो आप उसको उस मैजिकल दूध को ठंडा ही पी सकते हो, लेकिन मैम ने बोला है कि आप उसे गर्मा गर्म पीजिए और दूध को ही पीजिए रात में, ताकि आपको नींद अच्छी आए और आपको अच्छा वेट लॉस मिले। तो मैम ने हल्दी वाले दूध के साथ साथ में बोला कि अगर हल्दी वाला दूध आप नहीं पीना चाहते हो और कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप
जो है खिचड़ी ले सकते हो या सूप ले सकते हो, और वो भी टाइम के हिसाब से लेना है, तो आपको 7 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर लेना है। तो ये दूध है इसलिए मैं इसको 8:30 ले रही हूँ ताकि मुझे जल्दी से भूख ना लगे और मैं अच्छे से सो पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सीधा उसको बनाने के लिए, तो चलो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ तो भैया मैं आ चुकी हूँ फाइनली बनाकर, किचन में थी, गर्मी हो रही है, ठीक है। तो चलो फिर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, आराम से बैठ के पियेंगे दूध। ये काफ़ी गर्म है अभी यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये दूध मिल रहा है। इसमें है ड्राई फ्रूट्स, सौंफ, क्या बोलते हैं उसको, खजूर यानी कि डेट्स ताकि इसकी मीठा रहे, और हल्दी मिक्स की गई है उबलते दूध में। और ये दूध का ये वो ग्लास है जो नॉर्मल सा जो ड्रिंक करने वाला ग्लास होता है ना, ये वैसा सा ग्लास है, कांच का ग्लास लिया है ताकि फीलिंग के साथ में इसको पीऊँ मैं, है ना। तो पी के देखते हैं कैसा है, ठीक है। मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, टेस्टी है, ड्राई फ्रूट्स मुँह में आ रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको कि मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर पाऊँ, और ग्राइंड करने के बाद भी रह गया है चीज़ें, दूध भी डाला था ग्राइंड करने के टाइम पे, लेकिन अभी भी दरदरा है सिस्टम, बट अच्छा लग रहा है, मुँह में आ रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, तो नॉट बैड, बहुत बहुत टेस्टी है। बट ये कितना फीलिंग है वो तो देखेंगे, 2 घंटे के बाद पता नहीं भूख लगेगी नहीं लगेगी। तो फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, टेस्ट अच्छा है इसका, बाकी देखते हैं। चलो फिर मैं इसको पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइज, मेरी किचन वगैरह सारी क्लीन हो चुकी है, और इस वक्त बज रहे हैं 11, और हम लोग बस जो है सब कुछ क्लोज करके अब सोने वाले हैं। कि जितना मर्जी आप जल्दी काम कर लो, जितना मर्जी आप जल्दी कर लो, आपका काम जो है फिनिश ही नहीं होता। तो बस मैं अब जैसे तैसे करके मुझे सोना है, मुझे बस अभी करना है अपना स्किन केयर, और मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और फटाफट जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह दोबारा फिर से जो है 5:45 का अलार्म लगाना था कि मैं 15 मिनट एडवांस चलूँ, क्योंकि टाइम लग जाता है रेडी होने में, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ, देखते हैं कि कल का वेट कितना आता है। आज का तो पूरा रूटीन मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता। सो हमारा जो क्या था, मेरा जो वेट आया है 76.500, तो वो था हमारा भी लेटेस्ट वेट। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कल का वेट क्या आने वाला है, उम्मीद के साथ फिंगर क्रॉस कि जो डाइट आज मैंने ली है पूरा दिन उसका कोई असर मुझे कल की डाइट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो कल पता चलेगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। मैं जा रही हूँ स्किन केयर करने के लिए, फिर मैं सीधा चली जाऊँगी सोने के लिए, बाय।